अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे तो ऋणान बंद बन जाएगा। जब भौतिक यादाश्त खुद के ऊपर परतों में चढ़ने लगती है तो इससे शारीरिक स्तर पर एक उलझन पैदा होगी। इसके कारण थोड़ी बेचैनी होगी, उत्साह की कमी होगी, किसी भी चीज में भागीदारी की कमी होगी। ऋणानुबंध यानी आप में मौजूद शारीरिक याददाश्त ये खून के रिश्तों से हो सकती है। दिस कैन ऑल्सो ये यौन संबंधों से भी हो सकती है। शरीर एक याददाश्त बना लेता है, इसे जेनेटिक मेमोरी कहना ठीक नहीं होगा। ऋणानुबंध माँ बाप से बच्चों में आने वाले अंश का असर नहीं है, ये उस स्तर पर नहीं होता। वंश से जुड़ा याददाश्त का एक स्तर होता है। आपकी त्वचा का रंग, नाक का आकार, आप कैसे बने हैं, आपकी जाति क्या है, ये अलग चीजें हैं। बात बस ये है कि अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ेंगे तो ऋणानुबंध बन जाएगा। इसीलिए भारत में लोग ऐसे मिलते हैं, वो ऐसे नहीं करना चाहते, वो ऐसे प्रेम करते हैं और कई चीजें हैं। वो कुछ पदार्थ नहीं देंगे, ना कोई आपको नमक देगा और ना आपसे लेगा। यदि आप उन्हें नमक देना चाहेंगे तो वो कहेंगे यहां रखिए, वो आपके हाथ से नहीं लेना चाहेंगे। तिल के बीज वो आपसे नहीं लेंगे, कुछ प्रकार की मिट्टी भी कोई आपसे नहीं लेगा। आप किसी को मिट्टी देना चाहते हैं, कोई भी मिट्टी, कुछ रीति रिवाजों में मिट्टी दी जाती है, आप नीचे रखते हैं, मैं इसे नीचे से ले लूंगा, कभी किसी के हाथ से नहीं, क्योंकि आपका ऋणानुबंध बन जाएगा। क्योंकि इस संस्कृति में हमेशा बंधन न बनाने और जीवन के बंधन को कम से कम रखने की जागरूकता है, बस जितना जरूरी हो, क्योंकि आप अपनी मुक्ति की दिशा में काम कर रहे हैं, तभी ये जागरूकता और ये संवेदनाएं आई हैं। तो शरीर हर तरह की नजदीकी याद रखता है, न सिर्फ दूसरों के शरीर के साथ, किसी भी तरह की भौतिक पदार्थ के साथ भी इसे याद रहती है। कुछ प्रकार के पदार्थ ऐसा ज्यादा कर पाते हैं, कुछ दूसरी चीजें कम कर पाती हैं। तो इसलिए हम यहां मंदिर में क्लेश नाशन करते हैं। क्या आपने ये किया है? अग्नि स्नान, यानी अगर आप पानी से नहाकर साफ नहीं हो पा रहे हैं तो हम आपको जला रहे हैं। तो क्लेश नाशन विभिन्न प्रकार की भौतिक यादों को जलाने का एक तरीका है जो हमने इकट्ठा की हैं। सिर्फ रिश्ते नहीं, बस संपर्क में आने से, बस कई चीजों के संपर्क में आने से, लोग, स्थितियों, माहौल, कई चीजों से ये शरीर यादें जमा करता है। एक हद से ज्यादा शारीरिक यादें जमा हो जाएं तो एक स्तर का भ्रम पैदा करती हैं। कन्फ्यूजन यहां नहीं, ये कन्फ्यूजन अलग है, ये भ्रम आपने कमाया है। शारीरिक भ्रम अलग होता है, अगर शरीर भ्रमित है तो वो आराम में नहीं आ सकता। कई लोगों ने देखा होगा कुछ दिन आपका शरीर भ्रमित होता है, क्या आपने ये देखा है? आप जहां भी बैठते हैं ऐसा होता है, दूसरे दिन आप बैठते हैं तो हमने शुद्धि के लिए अलग अलग प्रणालियां बनाई। एक होता है अग्नि स्नान, दूसरा वायु स्नान। सच में बेशक पानी का स्नान रोज होता है। एक समय था जब मैं बहुत साधना करता था, तब मैं एक दिन में 5 से 7 बार नहाता था, क्योंकि आपका सिस्टम इतना संवेदनशील हो जाता है। आप इस कुशन पर बैठेंगे तो आप जान जाएंगे कि यह आप पर क्या असर डाल रहा है, तो आप इसे धोना चाहेंगे, कम से कम खुद पर सिर्फ पानी डालकर 5 से 7 बार, दिन में 7 बार। यह तय नहीं किया जाता मुझे 5 या 7 बार नहाना है। जब भी आपको एहसास हो,
कई योगी रोज कम से कम 2 बार नहाते हैं। आमतौर पर नदी में डुबकी, कम से कम 1 बार बहते पानी में डुबकी ताकि आप साफ हो जाएं। और दक्षिणायन से उत्तरायण के बदलाव में, जो अभी और फिर से उत्तरायण से दक्षिणायन जो जून जुलाई में होता है, उन दिनों ट्रॉपिकल देशों में हवाएं तेज होती हैं, कम से कम भारत में। भारतीय उपमहाद्वीप में हवाएं तेज होती हैं। तो ऐसी सरल प्रक्रियाएं हैं जिनमें आप हवा में खड़े होते हैं ताकि आपको वायु स्नान मिले। हवा में नहाना, आप देखेंगे इससे अद्भुत फायदा होगा। आप ऐसा करके देखें, जब तेज हवा चल रही हो तब कुछ ढीला पहनकर बस आधे घंटे वहां खड़े रहें। इसके प्रति सचेत होकर आंखें बंद करके इस तरह और पीछे से, ताकि आपके ऊपर से काफी हवा गुजरे, घर आकर आप काफी हल्का और बेहतर महसूस करेंगे। शायद आपको ये पता नहीं होगा, सभी सन्यासी, साधु और सन्यासी हमेशा बहुत पतली मिट्टी, लाल मिट्टी से अपने कपड़े रंगते हैं। पूरे आश्रम को उस रंग से रंगा गया है क्योंकि हमने बस मिट्टी का इस्तेमाल किया है, ठीक है? मिट्टी और एक तरह की गोंद पेंट की तरह चिपकने के लिए आश्रम की सभी इमारतें इसी तरह रंगी गई हैं। और सभी साधु सन्यासी जो आध्यात्मिक पथ पर हैं, वो अपने कपड़े लाल मिट्टी से धोते हैं, छानी हुई मिट्टी से धोते हैं, इसीलिए ये रंग आया है। या तो कपड़े अलग धोने चाहिए या हमेशा इसे मिट्टी से ढकना चाहिए ताकि आपका ऋणानुबंध सिर्फ धरती के साथ हो, ना कि आसपास के लोगों के साथ, ना कि आसपास की चीजों के साथ, बस धरती के साथ। ये ठीक है, क्योंकि अगर आप वैसे कपड़े पहनेंगे, यहां सॉइल या मिट्टी शब्द का दूसरा मतलब है, अगर आप मिट्टी वाले कपड़े पहनेंगे, नहीं नहीं वैसे नहीं, लाल मिट्टी से रंगे हुए अगर आप वो कपड़े पहनेंगे तो एक तरह से शरीर को याद रहेगा कि वो कहां से आया है और कहां जाएगा। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं, वो हमेशा लाल मिट्टी में डुबोए कपड़ों का उपयोग करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा महसूस नहीं होता, पर वाकई वही रंग है। असल में सफेद कपड़ों को मिट्टी का रंग दिया जाता है क्योंकि उन्हें लगातार बारीक मिट्टी से धोया जाता है। तो ऋणानुबंध को धोने का एक तरीका है मिट्टी से स्नान करना। तो जीवन में जब भौतिक यादाश्त खुद के ऊपर परतों में चढ़ने लगती है, तो इससे शारीरिक स्तर पर एक उलझन पैदा होगी। इसके कारण थोड़ी बेचैनी होगी, उत्साह की कमी होगी, किसी भी चीज में भागीदारी की कमी होगी। मानो आप जीते जी सब कुछ जान गए हैं। आपको जीवन का जानकार जीवन पूरा होने के बाद बनना चाहिए, जीवन पूरा होने से पहले आपको उसका जानकार नहीं बनना चाहिए, है ना? पर ऐसा ही होगा, यानी याददाश्त की कई परतों के कारण आप आसपास की चीजों के प्रति एक तरह से कम जीवंत हो जाएंगे। यही हमारी चिंता है कि आप कम जीवंत ना हो जाएं। myGyanalaya.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myGyanalaya.in, लिव ए सात्विक लाइफ।